हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिजनेस लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक जो है नो कॉन्स्टिट्यूशन नो कॉन्ट्रैक्ट। देखो, जो भी एग्रीमेंट है अगर उसको हमने लीगली इन्फोर्सिबल करना है तो उसके अंदर एक वैलिड कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जब हम किसी का काम करते हैं तो बदले में हमें क्या मिलता है। जैसे ए जो है बी की पिक्चर पेंट करता है, ठीक है, ए ने बी की पिक्चर पेंट की तो उसके बदले में बी ने उसको पैसे दे दिए, और बी ने जो पैसे दिए हैं उसके बदले में ए ने उसकी पिक्चर पेंट कर दी। तो मतलब हर एक एग्रीमेंट को अगर हमने लीगली इन्फोर्स करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन का होना असेंशियल है। ये मैटर नहीं करता कि कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने अपनी 1 लाख की चीज़ जो है किसी को 50,000 में सेल कर दी, ये मैटर नहीं करता कि मैंने कितने में सेल की है। ये मैटर करता है कि हर एक एग्रीमेंट जो है अगर हम उसको लीगली इन्फोर्सिबल करना चाहते हैं तो उसके अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है। बट जो एग्रीमेंट जो है जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होती, ठीक है, तो वो वॉइड होते हैं, उसको हम लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकते। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि सेक्शन 25 उन एक्सेप्शंस के साथ डील करता है कि एग्रीमेंट चाहे विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन किए गए हैं लेकिन वो वैलिड है। तो आज हमारा जो लेक्चर है इसी के अंदर है कि नो कॉन्स्टिट्यूशन नो कॉन्ट्रैक्ट की वो कौन सी एक्सेप्शंस हैं जिनके अंदर क्या होता है कि जो एग्रीमेंट है वो विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन है बट स्टिल वो वैलिड है, जिसको हम लीगली इन्फोर्स कर सकते हैं। लीगली इन्फोर्स का मतलब होता है कि कोर्ट के अंदर जाके उसकी हम रेमेडी जो है ले सकते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हर एक एग्रीमेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का होना असेंशियल है, बट सेक्शन 25 जो है कुछ एग्रीमेंट स्पेसिफाई करता है जहाँ पे विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकते हैं। फर्स्ट जो है डैट इज़ दी ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। देखो, एग्रीमेंट जो है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, ये रिटन फॉर्म में होना चाहिए, ये रजिस्टर्ड होना चाहिए, और यहाँ पे ये जो एग्रीमेंट है वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बेसिस पे होना चाहिए, और जो पार्टी वो एग्रीमेंट कर रही है उनका आपस में नियर रिलेशन होना चाहिए। देखो, नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बेसिस पे अगर वो रिटन है, रजिस्टर्ड है, और वो पार्टी जो है आपस के अंदर रिलेशन में है, तो अगर वो विदाउट एग्रीमेंट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन है तो भी वो वैलिड है। जैसे ए जो है नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बेसिस पे अपने बेटे को कहता है कि मैं तुम्हें 1,000 दूंगा, और उसको उसने ये रिटन फॉर्म में प्रॉमिस किया है और इसकी रजिस्ट्रेशन करवा ली है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। कल को ए जो है अगर बैकआउट करता है तो बी जो है कोर्ट के अंदर जा सकता है। देखो, ये नियर रिलेशन के साथ क्या है कि दोनों पार्टीज़ के अंदर नेचुरल लव एंड अफेक्शन जो है वो भी होना ज़रूरी है अगर एग्रीमेंट विदाउट कंस्ट्रक्शन इन्फोर्सिबल करना है। देखो, इसी तरह एक केस है, जैसे ये राजलू की डैबी वर्सेस भूतनाथ केस है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे वाइफ जो है सेपरेट रेजिडेंस और मेंटेनेंस जो है क्लेम करती है, मतलब हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है सेपरेट रेजिडेंस का और मेंटेनेंस का। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि देखो, दोनों का आपस में रिलेशन होता है बट नेचुरल लव एंड अफेक्शन जो होता है मिसिंग होता है, क्योंकि वो आपस में लगातार लड़ते रहते हैं, तो ये एग्रीमेंट जो है वो वॉइड है, जिसकी लीगली इन्फोर्सिबल के लिए वो कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। और सेकंड जो है, देखो, सेकंड जो एक्सेप्शन है डैट इज द कंपनसेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, इसको सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 डील करता है। देखो, यहाँ पे भी अगर एग्रीमेंट हम करते हैं ये विदाउट कंस्ट्रक्शन है तो ये वैलिड है। यहाँ पे हम बेसिकली क्या होता है कि कोई बंदा, इसकी कंडीशन ये है, कोई भी बंदा जो एक्ट करता है वो अपनी इच्छा से, वॉलंटरली का मतलब होता है अपनी इच्छा से उसने वो काम किया है, और सेकंड जो है उसकी लीगल ऑब्लिगेशन भी जो है प्रॉमिसर की बनती है, और प्रॉमिसर जो है जब ये एक्ट किया गया है उस वक्त प्रेजेंट होना चाहिए, और प्रॉमिसर ने प्रॉमिसी को कंपनसेट किया है कि मैं तुम्हें कंपनसेट करूँगा। जैसे ए को बी का पर्स मिल जाता है तो वो बी को दे देता है, बी उसको कहता है कि मैं 100 रुपीज़ दूंगा, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। और उसी तरह यहाँ पे देखो, जो एग्रीमेंट किया गया है अपनी मर्जी से किया गया है, और यहाँ पे प्रॉमिसर ने प्रॉमिस किया है, और नेचुरली तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कंपनसेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड।
थर्ड है टाइम बार डेट्स। देखो कई बार क्या होता है कि जैसे लिमिटेशन के एक्ट के मुताबिक जो होते हैं कुछ डेट, डेट का अर्थ होता है जैसे ए ने बी से लोन लिया है, तो लिमिटेशन पीरियड स्पेसिफाई करता है कि इस स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर तुम एक्शन ले सकते हो अपने डेट की रिकवरी के लिए। अगर वो स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर जो एक्शन नहीं लेता तो वो टाइम बार डेट हो जाता है। बट मान लो जो डेट टाइम बार हो चुका है, अगर पार्टी जो है उसको प्रॉमिस करती है तो वो इन्फोर्सिबल होता है। बट उसकी कंडीशन क्या होती है कि जो प्रॉमिस है वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, प्रॉमिसर या उसके एजेंट के द्वारा साइन होना चाहिए, और प्रॉमिस के अंदर पूरा का पूरा या डेट का कुछ पार्ट जो है पेबल करने का प्रॉमिस होना चाहिए। बट अगर हम कोई टाइम बार डेट जो हो चुका है, अगर हम मुंह जुबानी उसका प्रॉमिस करते हैं तो वो जो होता है लीगली इन्फोर्सिबल नहीं होता। जैसे मान लो ए ने बी के 10,000 देने हैं, तो ये डेट जो है लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक टाइम बार हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ए जो है वो प्रॉमिस करता है कि मैं बी को जो है उसने 10,000 देना है, बट वो कहता है कि ठीक है मैं तुझे 5,000 जो है पे करूँगा, रिटर्न के अंदर प्रॉमिस करता है, तो यहाँ पे ये लीगली इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट है। बट यहाँ पे ये नहीं है कि जैसे सपोज कर लो ए बी को प्रॉमिस करता है कि जो सी ने तेरे पैसे देने हैं वो मैं तुझे दूंगा, तो यहाँ पे हम दूसरे को जो डेट है उसका प्रॉमिस नहीं कर सकते। यहाँ पे जो प्रॉमिस है वो अपना जो टाइम बार डेट हो चुका है उसको पे करने का होना चाहिए, और एक्सप्रेस शब्दों के अंदर जो है होना चाहिए। जैसे बच्चू वर्सेस श्रीनिवास के केस में भी कोर्ट ने कहा था कि जो प्रॉमिस टू पे है ये एक एक्सप्रेस होना चाहिए, अनएक्सप्रेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक्सप्रेस शब्द इम्प्लाइड नहीं होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए। और उसी तरह जो फोर्थ एक्सेप्शन है, डेट इज़ द कंप्लीटेड गिफ्ट, जिसको सेक्शन 25 के अंदर एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि देखो कंप्लीटेड गिफ्ट का मतलब होता है कि जैसे हम किसी को गिफ्ट करते हैं, और अगर वो ट्रांसफ़र और प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जो है प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड है, तो उसके बाद जैसे ए ने बी को अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है गिफ्ट की है, उसकी रजिस्ट्रेशन जो है बी के नाम पे हो जाती है, तो बाद में ए जो है उसे प्रॉपर्टी जो है डिमांड नहीं कर सकता कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं थी। और उसी तरह क्या है कि एजेंसी, देखो यहाँ पे भी क्या है कि जो एजेंसी है उसकी उसकी क्रिएशन के लिए भी क्या है कि हमें कंस्ट्रक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसी तरह जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है ये भी विदाउट कंस्ट्रक्शन हो सकता है। और उसी तरह जो रिमिशन है, रिमिशन का अर्थ होता है कि जैसे मान लो ए ने बी का 1,000 देना है, ठीक है, ए ने बी का 1,000 देना है, और ए कहता है कि मैं आपको सिर्फ 700 ही दूंगा। ठीक है, देखो ड्यू कितना है 1,000, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 700 जो है उसने उसको कहा कि मैं आपको पे करूँगा। तो यहाँ पे जो है रिमिशन के लिए, रिमिशन का अर्थ होता है कि नेचुरली जितना ड्यू है उससे कम जो है वो देने को तैयार होता है, दूसरी पार्टी एग्री कर जाती है, तो ये रिमिशन होती है। तो यहाँ के लिए भी कोई कंसेशन जो है नहीं ज़रूरी। और उसी तरह ही देखो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रमिसरी एस्टॉपल का मतलब होता है कि देखो जो बंदा जो कोई प्रॉमिस करता है तो उस प्रॉमिस को उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, अगर दूसरे बंदे ने उसके प्रॉमिस के बेसिस पे कुछ काम किया है। जैसे इसी केस के अंदर एक यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस गॉडफ्रे के केस में क्या होता है कि जैसे ए जो है इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करता है सरकार ने जो टैक्स बेनिफिट दिए होते हैं उसके फेद के ऊपर। ठीक है, अब देखो जो स्टेट है वो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रमिसरी एस्टॉपल के अंदर जो है बाउंड है, और वहाँ से वो टैक्स कंसेशन जो उसने पहले प्रॉमिस किए थे उसको विड्रॉ नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पे जो पर्सन है उसने जो इंडस्ट्रियल यूनिट लगाया उसी फेद के ऊपर लगाया है। देखो यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ प्रमिसरी एस्टॉपल जो है उसके मुताबिक अगर हमें सरकार ने या किसी ने कोई प्रॉमिस किया उसके बेसिस पे हम कोई एक्ट करते हैं तो दूसरा पार्टी जो है बैकआउट नहीं कर सकता। और उसी तरह रिमिशन का अर्थ होता है कि जैसे मान लो ए ने बी का 1,000 रुपया देना है, ठीक है, तो ए जो है बी को कहता है कि आप 1,000 के बदले में 700 जो है एक्सेप्ट कर लो, बी उसको एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि लेना उसने 1,000 है, बट वो 700 के अंदर ही जो है डील फाइनल हो जाती है कि अब वो 300 और क्लेम नहीं करेगा। तो यहाँ रिमिशन के लिए भी क्या है कि कोई कंसेशन जो है ज़रूरी नहीं है।